नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइफ पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टर्म लेके आए हैं, उसको जो ना डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये टर्म क्या है? जनरली लॉ के टर्म में सुनने को मिलता है, और टॉर्ट एंड क्राइम। वही देखेंगे कि जो टॉर्ट क्या है और क्राइम क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि जो है बहुत ही कंफ्यूजन जनरेट होता है। कभी कोई टॉर्ट बोलते हैं और कभी कोई क्राइम बोलते हैं, तो क्या दोनों सेम है और क्या दोनों में डिफरेंसेज है, यही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, दो वर्ड्स, टॉर्ट एंड क्राइम। तो पहला हम लोग देखते हैं टॉर्ट की ओर, फिर उसके अपोजिट हम लोग क्राइम देखेंगे। पहला है एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स कम्प्लीट कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ए टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि सिविल राइट का जो इंफ्रिंजमेंट होता है, उल्लंघन होता है, और वो उल्लंघन किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, तो वो टॉर्ट कहलाता है। कहने का यहाँ पे एक्सप्लेन में मैं बोलूंगा कि ऐसा जो है ना एक्टिविटी जो किसी के सिविल राइट को जो है वायलेट करता है और या सिविल राइट के अगेंस्ट है, वो अगे जो है एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, तो वो टॉर्ट कहलाता है। ए टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन। मीन्स टॉर्ट जो होता है वो वायलेशन ऑफ राइट ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का जो राइट होता है उसका वायलेशन जो होता है वही टॉर्ट कहलाता है। मीन्स कहने का अर्थ है कि एक पीपल को प्रॉपर्टी रखना है, वो उसका प्रॉपर्टी है, कोई उसके प्रॉपर्टी का ओनरशिप का बिना इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, तो वो उसके लिए टॉर्ट हो जाता है। मीन्स वो व्यक्ति जो इंफ्रिंजमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी राइट जो है दूसरे पीपल का, तो वो एक्टिविटी जो है टॉर्ट कहलाता है। सपोज कि या फिर ऐसे भी है कि किसी का डिफेमेशन होता है, मीन्स किसी की बदनामी करती है, कोई आदमी इंटेंशनली उसको बदनाम करता है और वो आदमी डिफेमेशन का केस डालता है, तो बदनामी करने की एक्टिविटी जो है वो भी टॉर्ट कहलाता है। फिर एक क्राइम इज इंफ्रिंजमेंट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड अगेंस्ट द सोसाइटी। मीन्स क्राइम एक इंफ्रिंजमेंट है अगेंस्ट इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी। मीन्स किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी सोसाइटी के अगेंस्ट कोई अगर वर्क करता है और वो वर्क जो है एक हार्मफुल वर्क है या हीनियस वर्क है, तो वो क्राइम कहलाता है। इट इज वायलेशन राइट्स इन रेम। रेम यहाँ पे ये लैटिन वर्ड्स है। इट इज वायलेशन राइट्स इन रेम। मीन्स ये रेम में जो ना वायलेशन राइट्स है, ये लैटिन वर्ड्स रेम का है, तो लिखता है ए लैटिन टर्म मीनिंग अगेंस्ट और अबाउट समथिंग। मीन्स रेम मीन्स अगेंस्ट और अबाउट समथिंग। ए प्रॉपर्टी इज यूज्ड नॉट यूजुअल पीपल। मीन्स क्राइम हमेशा ऐसा नहीं कि किसी पीपल के अगेंस्ट होगा, ये किसी के प्रॉपर्टी के इशू में भी हो सकता है। सपोज कीजिए कोई कोई व्यक्ति किसी के घर में आग लगा दिया, तो वो उसका एक क्राइम है, ना कि टॉर्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहता है या फिर जो ना उसका फॉल्स डॉक्यूमेंट बना लिया है, उस पर ऑनरशिप स्थापित करना चाहता है, तो वो उसका टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन वही प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया तो फिर वो उसका क्राइम हो जाता है। इसलिए कहता है कि ये जो ना हमेशा ऐसा नहीं है कि क्राइम पीपल
पीपल के अगेंस्ट ही होगा, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। सेकेंड है, टॉर्ट इज ऑफन एक्सीडेंटल नॉट इंटेंट टू इंजर एन इंजुरी बट एज ए रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंट बिहेवियर एन इंजुरी अकर्स। मीन्स टॉर्ट हमेशा एक्सीडेंटल होता है, ना कि वो इंटेंडेड टू इंजर एनी पर्सन को होता है। मीन्स यहाँ पे है कि बिना जाने या इंटेंशन से क्या हुआ वर्क टॉर्ट कहलाता है, और ना कि जो है वो किसी के इंटेंशन इंटेंशन बनाया और जाके इंजर्ड कर दिया, वो टॉर्ट में नहीं आता। लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंट बिहेवियर इंजरी अकर्स, किसी का नेग्लिजेंस बिहेवियर भी किसी को इंजर्ड कर सकता है। सेकेंड है, इसी क्राइम में, क्राइम आर प्लान्ड रॉन्ग डूइंग दैट अगेंस्ट दैट अफेक्ट सोसाइटी। मीन्स क्राइम जो है प्लानिंग किया हुआ रॉन्ग एक्टिविटी है अगेंस्ट सोसाइटी, जो सोसाइटी को अफेक्ट करता है। देर आर डेलिबरेट एंड प्लान्ड एक्ट ऑफ डूइंग्स रॉन्ग डूइंग। मीन्स क्राइम जो होता है वो जानबूझ के किया गया वर्क और प्लान्ड एक्टिविटी है किसी चीज को रॉन्ग वे में करना और अगेंस्ट सोसाइटी या किसी पीपल के अगेंस्ट करना। थर्ड है, टॉर्ट आर ट्राइड इन सिविल कोर्ट। मीन्स टॉर्ट के अंदर जो भी टॉर्ट जो ना ट्राइड होता है सिविल कोर्ट में, मीन्स जो एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है और वो क्राइम के में नहीं आता है, वो एक्टिविटी टॉर्ट जो है वो सिविल कोर्ट में ट्राइड होता है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट में। क्राइम्स आर ट्राइड इन क्रिमिनल कोर्ट, क्राइम ऑलवेज ट्राइड इन क्रिमिनल कोर्ट में ट्राइड होता है। मीन्स ट्रायल जो है क्राइम का जो है हमेशा क्रिमिनल कोर्ट में होगा, ना कि वो सिविल कोर्ट में होगा। कंपनसेशन फॉर टॉर्ट इज मीटर्ड आउट फॉर द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द मेजर्स ऑफ रॉन्ग एंड लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स कंपनसेशन ऑफ टॉर्ट जो किया हो, मीन्स किसी व्यक्ति का जो एक्टिविटी होता है अगेंस्ट ऑफ पीपल होता है, उसका कंपनसेशन जो है उस डिपेंड करता है कितने मेजर किस तरह का उसने एक्टिविटी रॉन्ग एक्टिविटी किया है और उस रॉन्ग एक्टिविटी से कितना इंडिविजुअल को डैमेज हुआ है या लॉस हुआ है, उसी के बेसिस पे जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा। जो भी जो है ना जो भी इसमें जो है ना विक्टिम होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो भी व्यक्ति को का डैमेज होता है या लॉस होता है, उसको जो प्रोवाइड किया जाता है कंपनसेशन, वो जो है ना उसके व्यक्ति उस व्यक्ति के लॉस और डैमेज का क्वांटम तैयार किया जाता है और उसे क्वांटम के बेसिस पे फिर कोर्ट कंपनसेशन जो है ना फिक्स कर दिए। लेकिन क्राइम में क्या है, क्राइम आर पनिश्ड बाय सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द लेट डाउन लॉ। मीन्स क्राइम जो है ना सोसाइटी के द्वारा पनिश किया जाता है और उसका पनिशमेंट का बेसिस जो होता है लेट डाउन लॉ जो में प्रोवाइड किया हुआ पनिशमेंट का फैसिलिटी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पनिशमेंट का, जो जिस तरह का क्राइम किया है उस क्राइम का क्वांटम क्या है और उसके अनुसार लॉ में जो प्रोवाइड किया गया है कि उसके कितना फाइन लगेगा, फिर उसका पनिशमेंट क्या होगा और उसका इम्प्रिजनमेंट क्या होगा, वो सब जो है लॉ में ऑलरेडी मेंशन होता है, जो स्टेट के द्वारा रेडी किया जाता है और फिर वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। द क्रिमिनल इज जज टू रिसीव ए पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम या रॉन्ग डूइंग दैट इज डीम्ड फेयर इन द कोर्ट। मीन्स यहाँ कहने का क्रिमिनल इज जज, क्रिमिनल को जज किया जाता है कोर्ट में टू रिसीव पनिशमेंट, पनिशमेंट रिसीव करने के लिए क्रिमिनल को जो जज किया जाता है कोर्ट में उसके क्राइम के लिए, जो उसने क्राइम किया या रॉन्ग डूइंग किया है, दैट इज डीम्ड इन द कोर्ट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल ऑफ सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी।
मीन्स यहाँ कहने के अर्थ हुआ कि क्रिमिनल को जो है जज किया जाता है कोर्ट में, और उसके क्वांटम ऑफ एक क्राइम को फिक्स किया जाता है या क्वांटम ऑफ रॉन्ग डूइंग को फिक्स किया जाता है, और वो फिक्स करने का जो प्रोविजन होता है ऑलरेडी जो रूल में मेंशन होता है, जो सोसाइटी में अप्लीकेबल रूल है बाय द स्टेट, वो अप्लीकेबिलिटी के अनुसार में जो है क्रिमिनल का जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी का क्वांटम रेडी किया जाता है, और उसके अनुसार फिर उसको जो है पनिशमेंट होती है। फिर है फोर्थ है ए सूट ब्रॉट बाय द इंडिविजुअल हुज लीगल राइट्स हैज बीन वायलेटेड या प्रॉपर्टी डैमेज। क्राइम में टॉर्ट में क्या है कि सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, और वह सूट जो फाइल किया जाता है वो इंडिविजुअल के द्वारा किया जा सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है जिसका लीगल राइट्स वायलेट किया हुआ या प्रॉपर्टी डैमेज किया हुआ है। वहीं क्राइम में इन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी द क्रिमिनल इज प्रोसिक्यूटेड बाय स्टेट एंड स्टेट इज द प्रॉपर्टी इज द पार्टी टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मीन्स क्राइम पार्ट में है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए या इंटरेस्ट को रखते हुए क्रिमिनल प्रोसीड किया जाता है बाय द स्टेट के द्वारा एंड स्टेट इज द पार्टी टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मीन्स स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी को जो है ना फेयर जो मुक्त जो है और या फेयरलेस बनावे अगेंस्ट क्राइम का, और टेक केयर ऑफ द सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट का। तो स्टेट जो है ना इसलिए वो इंटरेस्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट में को रखते हुए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का काम जो है ना स्टेट करती है ना कि इंडिविजुअल करती है। फिर वे फिफ्थ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू कंपनसेट द इंडिविजुअल हुज लीगल राइट हैज बीन फ्रिंज्ड बाय द रॉन्ग डूअर। मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट का ऑब्जेक्टिव है कि वो कंपनसेट करे इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जिसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ या फ्रिंजमेंट हुआ था इसके द्वारा लॉन्ग रॉन्ग डूअर के द्वारा। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स इज टू पनिश द क्रिमिनल इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स का जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रिमिनल को पनिश करने का है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है द रेमेडी फॉर टॉर्ट इंप्रिजनमेंट इज टू पनिश द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द सिविल कोर्ट। मीन्स रेमेडी ऑफ द टॉर्ट जो है ना इंप्रिजनमेंट है टॉर्ट इंप्रिजनमेंट का जो रेमेडी है वो है पनिश करना इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो ना फाइंड आउट जो करती है कि कोई व्यक्ति किस तरह का उन्हें टॉर्ट का इंप्रिजनमेंट किया है, मीन्स टॉर्ट किसी के लीगल राइट का या डैमेज प्रॉपर्टी किया है उसका, वो क्या करती है फाइंडिंग्स करती है उसके बेसिस पे जो है इंडिविजुअल जो भी टॉर्ट किया है उसको वो जो पनिश करती है। लेकिन वही है एन इंडिविजुअल इज पनिश्ड फॉर ए क्राइम इट कैन बी टॉर्ट विद इन द क्रिमिनल केस फॉर इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अगेंस्ट सोसाइटी। मीन्स ए इंडिविजुअल को जो पनिश किया जाता है क्राइम के लिए यह टॉर्ट हो सकता है विद इन द क्रिमिनल केस जो कि इंफ्रिजमेंट होगा अगेंस्ट द सोसाइटी ना कि इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि टॉर्ट एंड क्राइम में क्या डिफरेंसेस है और डिटेल में देखा। तो आइए इस वीडियो की ही क्लोज करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।